हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर से। ये हमारा ईथर है। सबसे पहले आपको देखना होता है इसका नेचर कैसा है। अब आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है लोन पेयर, और अगर किसी भी कंपाउंड के पास या किसी मॉलिक्यूल के पास आपको लोन पेयर मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, मींस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर सकता है। चलिए अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि HX हमारा एक एसिड है और वो H पॉजिटिव हमें दे सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये H को दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, R O O पे H और O पे पॉजिटिव आ गया। O पॉजिटिव नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, काफी बार हमारा डिस्कशन हुआ है। अब देखिए X नेगेटिव भी बचा हुआ है। अब ये जो O है ये चाहता है कि मुझे एक बॉन्ड मिल जाए, तो यहां से ये बॉन्ड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। अब कार्बन इसको देना नहीं चाहता। अब यहां से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करेगा और क्या बोलेगा कि आप रिलीज कर सकते हैं, हम आपको स्टेबल कर देंगे। तो यहां से फाइनली बॉन्ड निकला, मीन्स यहां से जो निकला वो क्या निकला, आर ओ एच। अब बचा क्या, आर पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव आर पे आया और इसके साथ एक्स जुड़ गया, मीन्स आपका क्या बना, आर एक्स। तो आपका यहाँ पे हेलो एल्कीन बना और एल्कोहल बना। कभी कभार आपको बोल दिया जाता है एच एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्सिस हुआ तब देखिए क्या होगा। एक्सिस के केस में आपको पता है एच एक्स एल्कोहल से भी रिएक्ट करता है, कैसे, यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच रिलीज हो जाता है और ये भी क्या बन जाएगा, आर एक्स, और ये क्या था, आर एक्स। मीन्स दोनों ही कन्वर्ट हो गए किस चीज में, हेलो एल्केन में, मीन्स फाइनली आपको हेलो एल्केन मिलने वाला है। और अगर एक्सेस में नहीं है, इक्विवेलेंट है, एक ही लिया गया है, तो एक आपका एल्कोहल बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, हेलो एल्कीन। तो कभी कभार प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको इक्विवेलेंट, देन आप यहीं पे प्रोडक्ट को रोक देंगे, और अगर लिखा गया एक्सेस देन फाइनली आप ये बनाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम आएंगी कहाँ कहाँ से वो सुनिए। प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ से एच एक्स से। एच एक्स से कैसे आएगी वो देखिए, एच एक्स रिएक्टिविटी पूछी जाएगी आपसे। देखिए एच एक्स मीन्स एच सी एल, एच बी आर, एच आई, एच एफ की बात करते नहीं क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बहुत डिफिकल्टली वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है वो एच आई की सबसे ज़्यादा रहेगी, एच बी आर की उससे कम रहेगी, एच सी एल की उससे कम रहेगी। क्यों? क्योंकि एच आई बहुत जल्दी डिसोसिएट होके हमें एच पॉजिटिव आयन देता है, दैट्स वाई एच आई की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये क्लियर होना चाहिए। चलो एच एक्स की बात हम खत्म कर चुके हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है हमारे एग्जाम में, ये बेटर मेथड होता है क्या। आप ये देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, बस खत्म, फिर हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे, ये जो आर हैं ये सेम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मिक्स्ड ईथर आता है, सिंपल ईथर मीन्स दोनों सेम है, मिक्स्ड ईथर डिफरेंट है, डिफरेंट आएगा प्रॉब्लम है। अब देखना पड़ेगा साइट ऑफ क्लीवेज, साइट ऑफ क्लीवेज क्या है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइट ऑफ क्लीवेज पे। चलिए साइट ऑफ क्लीवेज जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला। देखिए अगर बात करते हैं, 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, मीन्स जो ईथर है इसके साइड में ऐसा हो सकता है एक तरफ 1 डिग्री हो, एक तरफ 0 डिग्री हो। ओके, ये तो 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है। ऐसा भी हो सकता है एक तरफ यहाँ पे 2 डिग्री हो, एक तरफ 0 डिग्री हो। ऐसा भी हो सकता है इधर यहाँ पे 2 डिग्री है, वहाँ पे 1 डिग्री है। सभी कंपाउंड जो जो पॉसिबिलिटी है वो हम ले लेते हैं।
ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब ऐसा भी हो सकता है एक तरफ 3 डिग्री हो और दूसरी साइड 1, 2 या 0, CH3, CCH3, CH3, O, CH3। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि साइट ऑफ क्लीवेज क्या होगा। अब मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूं और जो बहुत जरूरी है आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर इनमें से दिया गया है तो आपका SN2 फॉलो होगा, मीन्स ऐसे यहाँ पे 3 डिग्री है ही नहीं। अगर कंपाउंड में 0, 1, 2 ही है, SN2 लगाना है। अब SN2 क्या कहता है कि उस पार्ट पे आपका अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जो छोटा है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, SN2 लगेगा, कौन सा पार्ट ब्रेक होगा जो छोटा है, ये वाला पार्ट ब्रेक होगा। यहाँ पे देखते हैं ये 0 है, ये 2 है, SN2 लगेगा, यहाँ से ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि बाद में न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर पाएगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से होगा, ये छोटा है, ओके, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर 3 डिग्री आया तो फॉलो करेंगे SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। अब यहाँ पे ये ब्रेक होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और 3 डिग्री पॉजिटिव काफ़ी स्टेबल होता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 0, 1, 2 है, SN2 फॉलो करेंगे, और अगर 3 आ गया आपको कुछ नहीं सोचना है, SN1 फॉलो करेंगे। देखिए अब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या क्या हो सकता है, सुनिए, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था। अगर मान लेते हैं CH3, CH, CH3, O, CH3 अगर ऐसा है और आपने HX को रिएक्ट करवाया है, देन अब आपको पता लग गया कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, क्योंकि SN2 फॉलो होगा, तो जो छोटे वाला है, अब यहाँ पे ब्रेकिंग देख लो, O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव, O की नेगेटिविटी ज़्यादा है। X कहाँ में जाएगा, इसके पास, ये कहाँ में जाएगा, इसके पास, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH, CH3, O, O पे कौन आया, H प्लस CH3X। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 3 डिग्री का और बता देता हूँ मैं, एक तरफ 3 डिग्री है, एक तरफ 0 डिग्री है, देन किसको प्रीफर करेंगे, फिर SN1 को ही प्रीफर करेंगे, जैसे कि CH3, C, CH3, CH3, O, CH3। SN2 बोलता है यहाँ से, SN1 बोलता है यहाँ से, बट आप लोगों को मैंने बताया अगर 3 डिग्री आता है आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको यहाँ से ब्रेक करना है, ओके, मीन्स जो HX जुड़ेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जुड़ेगा यहाँ पे और ये जुड़ेगा यहाँ पे, CH3, C, CH3, CH3, और यहाँ पे आपका X और यहाँ पे आपका CH3OH। आई होप आपको साइट ऑफ क्लीवेज अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। HX की रिएक्टिविटी मैंने बता दी है, साइट ऑफ क्लीवेज मैंने बता दिया है जहाँ से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर एरोमेटिक में आ गया तब क्या होगा, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, HX को इस पे अटैक करवाना है। देखिए इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस करता है तो यहाँ पे पार्शियली डबल आ जाता है और इसको ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। इससे बेटर तो हम इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ओ पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे अटैक कौन करेगा, H, यहाँ पे अटैक X, मीन्स आपका क्या बना, CH3X, और यहाँ पे आपका क्या लग गया है, OH, मीन्स फिनोल की प्रिपरेशन भी ये हो गई है। आई होप क्लियर हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, लाइक हैलोजिनेशन, लाइक नाइट्रेशन एंड फिडलक्राफ्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की, तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, आपने ईथर लिया ये और इसकी रिएक्शन करवा दी आपने X2 के साथ, ठीक है, मीडियम यहाँ पे CH3COH ले सकते हैं, देन क्या है, हमें बताया यहाँ से एक X ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, OCH3
ऑर्थो पे अटैच हो सकता है पैरा पे, क्यों? क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। चलिए, क्या तीनों पे लग सकता है? ये भी आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिनोल में तो देखा था हमने, फिनोल में तो हो रहा था, इसमें क्यों नहीं हुआ? वहां पे हेलोजिनेशन हमने देखा तो वहां पे तो तीनों पे हो रहा था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना था, क्या इसमें भी ऐसा होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा? हमारा आंसर आएगा नो। फिर हमसे पूछा जाएगा ये अच्छा डोनेटिंग पार्ट है या ये अच्छा डोनेटिंग पार्ट है? बच्चों को लगता है ये अच्छा है क्योंकि CH3 डोनेट कर रहा है, ये इजीली डोनेट करेगा, गलत है, ये अच्छा डोनेटिंग पार्ट है। अब ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है और यहाँ पे कार्बन का जो ऑर्बिटल है, आपस में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बन रहा है तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही होगी, परफेक्टली ओवरलैपिंग हो रही होगी, क्योंकि जो ये H है ना, ये तो स्फेरिकल है, डिस्टर्ब थोड़ी ना करेगा इस ऑर्बिटल को। बट इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, ये ओवरलैप होना चाहता था, बट ये जो कार्बन है ये भी तो आपका कैसा है, डंबल आपका ऑर्बिटल रखता है, जिसकी वजह से ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, और इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो परफेक्टली ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये परफेक्टली ओवरलैप नहीं हो पाया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ा पाता है जितनी ये बढ़ा देता है। बच्चों को लगता है ये गलत है, ये होगा, आपको समझ आना चाहिए, ड्यू टू परफेक्टली ओवरलैपिंग। चलिए आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो ये क्लियर है आपको कि यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर ओ सी एच थ्री, यहाँ पे हम इसको एनिसोल बोल सकते हैं, सॉरी वो तो फिनोल के साथ हमारा होगा, ओ सी एच थ्री यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ओ सी एच थ्री है तो ये डोनेटिंग पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट नाइट्रेशन देख लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, HNO3 विद H2SO4, पता होगा आपको, NO2 ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, और वहाँ पे हमने देखा था तीनों पे भी हो सकता था, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल आपको मिला था, पिक्रिक एसिड जिसको बोलते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, अब बार बार रीजन हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप है ना। चलिए, अब ये नाइट्रेशन हो गया, अब हम बात करते हैं फ्रिडलक्राफ्ट की। फ्रिडलक्राफ्ट भी यहां पे होगा। फ्रिडलक्राफ्ट में देखिए क्या होता है, आपने यहां पे OCH3 लिया, यहां पे आपने CH3Cl लिया, AlCl3 की प्रेजेंस में लिया, यहां से ये Cl ये पॉजिटिव, ये ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैच हो जाएगा। चलिए, हमें समझ में आ गया है कि ऑर्थो पे लग सकता है या फिर पैरा पे लग सकता है। प्रॉब्लम एक और है, वो क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। कभी कभार यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आ जाता है CH3CH2CH2Cl, और यहाँ पे आपको अटैक करवाना होता है। बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, कैसे? देखिए, वो Cl को निकाल के और कार्बन पे पॉजिटिव लगा देते हैं, फिर पूछा जाता है यहाँ पे कौन अटैच होगा, वो प्रोडक्ट ऐसा बना के आएंगे और जो कि गलत होगा, ये गलत है। क्यों? बच्चे तो सोच रहे हैं पॉजिटिव से ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन आता है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ये अपने आप को रीअरेंज करके कुछ ऐसा बन चुका होता है, इसका H यहाँ पे, इसका पॉजिटिव यहाँ पे, और अब ये अटैक यहां पे करेगा, इस कार्बन से करेगा, मींस ये जो अटैच होगा ऑर्थो और पैरा से, ये होगा इस कार्बन से। ओके, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा आता है तो वो यहां से अटैच होगा, मींस वो रीअरेंज कर चुका होगा। इसमें तो रीअरेंज करेंगे ना, एक ही कार्बन में क्या रीअरेंज करेंगे, दो में भी क्या रीअरेंज करेंगे, क्योंकि दोनों की 1 डिग्री होती है। हाँ, 3 है तो यहां पर डिग्री 1 थी, यहां पर डिग्री 2 है। रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री चाहता है, 2 डिग्री क्या चाहता है, 3 डिग्री। ये हो गया हमारा फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ऐसे ही फ्रिडलक्राफ्ट क्या हो सकता है, असाइलेशन, वो देखिए क्या होता है।
ये 11 से कवर करते आ रहे हैं हम। असाइलेशन में हम असाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl, Al Cl3, यहाँ पे ये चला गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये इस पे जाके अटैक करेगा। OCH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, या फिर यहाँ पे आपका पैरा पे भी हो सकता है। ये हो गया फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। ओके, तो ये हमारा ईथर खत्म हो गया है, यहाँ तक हमारा ईथर था, मैंने आपको प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता दी है। तो यहाँ पे साइट ऑफ क्लीवेज से प्रॉब्लम आ सकती है, और विलियमसन जो प्रिपरेशन में था वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हो गया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ओके, थैंक यू।